दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज के समय में अक्सर देखने को मिल जाता है कि एक लड़की किसी लड़के से प्यार करती होती है, यानी कि उस लड़की के पास बॉयफ्रेंड होता है। इसके बावजूद भी वह लड़की अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर या बॉयफ्रेंड के अलावा किसी दूसरे लड़के के साथ पेलो झेलो करने के लिए तैयार हो जाती है या करवा लेती है। बात यहीं तक खत्म नहीं हो जाती, इसमें शादीशुदा लड़कियां और स्त्रियां भी पीछे नहीं हैं, यानी कि पति होने के बावजूद भी वे किसी दूसरे लड़के या पुरुष के साथ कनेक्ट होकर अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाला कदम उठा ही लेती हैं। सच बात तो यह है कि शादी से पहले किसी भी लड़की को प्यार ही नहीं करना चाहिए। यदि शादी से पहले प्यार हो भी जाता है तो प्यार की हद को पार नहीं करना चाहिए, लेकिन विवाहित लड़कियों और स्त्रियों को तो भूल कर भी अपने जीवन साथी के अलावा किसी दूसरे से प्यार नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि सोचना भी नहीं चाहिए, यानी कि इस विषय पर। जबकि कुंवारी लड़कियों के पास एक ऑप्शन जरूर होता है कि वह जिससे प्यार कर रही होती हैं उससे विवाह भी कर सकती हैं, जबकि विवाह हो जाने वाली लड़कियों और स्त्रियों के पास यह ऑप्शन नहीं होता। खैर, करने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है और आजकल हो भी रहा है। और जैसे जैसे इस तरह के अनैतिक रिश्ते पश्चिमी देशों की तरह भारत में भी बढ़ते जाएंगे, उसी तरह से हमारे देश में भी डिवोर्स और शादी से पहले बच्चे पैदा होने जैसी स्थितियां बढ़ती चली जाएंगी। चलो काफी हुआ, अब अपने मेन टॉपिक पर फोकस करते हैं कि बॉयफ्रेंड या पति होने के बाद भी लड़कियां किसी दूसरे लड़के या पुरुष से क्यों करना या करवाना पसंद करती हैं। दोस्तों वीडियो में जानकारी पाकर आप सोच विचार करें, उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर तरह की अच्छी जानकारियों वाली वीडियो बिना किसी रुकावट के प्रतिदिन प्राप्त होती रहे। नंबर वन, सबसे पहला कारण यह है कि जब एक लड़की का बॉयफ्रेंड या पति उनसे भावनात्मक रूप से कनेक्ट नहीं हो पाता, उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाता, उनकी कुछ इच्छाएं आवश्यकताएं और जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाता, तो इन्हीं चीजों की पूर्ति के लिए वे किसी दूसरे लड़के या पुरुष की ओर आकर्षित होकर सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती हैं या कर लेती हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है जो चीज यहां नहीं मिली शायद वहां मिल जाएगी। दोस्तों इनमें कई एक लड़कियां और स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें नएपन की आदत सी लग जाती है, किसी एक लड़के या पुरुष के साथ रहते हुए बहुत जल्दी बोर हो जाती हैं। ये उनकी लत भी हो सकती है और एक मानसिक रोग भी हो सकता है। सेकंड नंबर, दोस्तों कुछ लड़कियों की फ्लर्ट करने की आदत होती है, इसी के चलते कई बार ना चाहते हुए भी वे फंस ही जाती हैं। तो कई एक लड़कियां जानबूझकर भी ऐसा करती हैं, क्योंकि काफी लड़कियों और स्त्रियों के बॉयफ्रेंड या पति ऐसे होते हैं जो खुद में काफी बोरिंग होते हैं, जबकि उनकी पार्टनर उनसे चाहती है कि वे रोमांटिक होकर उनके साथ प्यार करें, जताएं, दिखाएं, और उनके पार्टनर ऐसा नहीं करते। वहीं जब उन्हें कोई दूसरा रोमांटिक मिजाज या हंसी मजाक करने वाला दिख जाता है तो लड़कियों और स्त्रियों को दिल और अपना बिल देते देर नहीं लगती। थर्ड नंबर, जब एक लड़की को अपने बॉयफ्रेंड या पति से वह सब नहीं मिल पाता जो उन्हें चाहिए होता है, कुल मिलाकर वे अपने पार्टनर से पूरी तरह से ऊब चुकी होती हैं, उनके उबने की वजह कुछ भी हो सकती है, यानी कि जब कई बार उन्हें रिश्ता खत्म करना होता है तब भी ऐसी ही स्थितियां पैदा कर देती हैं। फोर्थ नंबर, दोस्तों कई बार जब एक लड़के और पुरुष अपनी पार्टनर के अलावा किसी दूसरी लड़की या स्त्री से कनेक्ट हो जाते हैं और इसकी जानकारी उनकी गर्लफ्रेंड या पत्नी को हो जाती है तो भी वे बदला लेने के लिए, जलाने के लिए या अपनी इच्छाओं को खुद भी पूरा करने के लिए दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं। फाइव नंबर, जब लड़के या पुरुष अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नी की केयर नहीं करते, उन्हें इज्जत सम्मान नहीं देते, कहकर प्यार व्यक्त नहीं करते, उनकी सुंदरता की बड़ाई नहीं करते, और जब उन्हें कहीं बाहर से यही सब चीजें किसी दूसरे लड़के या पुरुष से मिलते दिखाई देती हैं या मिल जाती हैं, तो
तो बिना किसी परिणाम को सोचे समझे लड़कियां और स्त्रियां अपना दिल और बिल दोनों ही अपने पार्टनर के अलावा किसी और को दे बैठती हैं। 6 नंबर, दोस्तों कई बार कई एक जोड़ों के बीच में प्यार की गर्मजोशी खत्म हो जाती है या उन लड़कियों और स्त्रियों के पार्टनर बहुत ही रिजर्व नेचर के होते हैं, जबकि उनकी गर्लफ्रेंड या पत्नी जस्ट इसके विपरीत मौज मस्ती हंसी मजाक करने वाली रोमांटिक मिजाज की होती है। ऐसे में दोनों ही एक दूसरे से सामंजस्य नहीं बैठा पाते, यहाँ तक कि एक दूसरे से मानसिक और शारीरिक रूप से कनेक्ट भी नहीं हो पाते। इसके अलावा लड़कियां और स्त्रियां तब भी धोखा देती हैं जब उनका जोड़ा बेमेल होता है, यानी कि पत्नी की उम्र में या तो काफी अंतर हो या शक्ल सूरत रंग रूप में बहुत ज्यादा अंतर होता है। 7 नंबर, दोस्तों ये बात सच है कि बिना किसी कारण के कोई भी इंसान अपने रिश्ते से बाहर नहीं जाना चाहता या जाना चाहती, फिर भी चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां, स्त्री हो चाहे पुरुष, रिश्ते में धोखा तभी दिया जाता है या वही देता है जिसकी किसी भी तरह की कोई इच्छा अधूरी रह जाती है या कोई चीज की पूर्ति नहीं हो पाती या कोई इच्छा शेष रह जाती है। वह इच्छा किसी भी तरह की हो सकती है, मन से संबंधित, तन से संबंधित, धन से संबंधित। तो कई एक लड़कियां और स्त्रियां तो सिर्फ अपना अकेलापन दूर करने के लिए ऐसे रिश्ते रख लेती हैं, क्योंकि किसी काम धंधे या जॉब आदि के चलते उनके पार्टनर या पति उनके साथ नहीं रह पाते या उन्हें अपने घर से दूर रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में भी लड़कियां और स्त्रियां किसी दूसरी जगह कनेक्ट हो जाती हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।